एमपीपीएससी की मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एमपीपीएससी की परीक्षाओं पर लगा विवादों का ग्रहण हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। गुरुवार 20 अक्टूबर की रात को घोषित किए गए मध्य प्रदेश राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 और मध्य प्रदेश राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के रिजल्ट में भी कट ऑफ का पैच फिर फंस गया है। दरअसल इन परीक्षाओं में शामिल हुए परीक्षार्थियों ने रिजल्ट में मेल और फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ समान होने पर सवाल उठाते हुए इसे असंवैधानिक बताया है। नाराज परीक्षार्थियों ने पीएससी के रिजल्ट को कोर्ट में चैलेंज किए जाने की बात भी कही है। और अब बात परीक्षार्थियों के वकील विभोर खंडेलवाल का कहना है कि पीएससी ने पूरी तरह से गलत रिजल्ट बनाया है। इसे लेकर दो बड़ी आपत्तियां उठाई जा रही है। सबसे पहली और बड़ी चूक तो ये दिख रही है कि इसमें हर कैटेगरी में मेल और फीमेल परीक्षार्थियों के लिए कट ऑफ मार्क्स एक समान है। जैसे अनरिजर्व्ड कैटेगरी में मेल के लिए 154 अंक न्यूनतम मानक थे, तो यही अंक फीमेल के लिए भी घोषित किए गए हैं। एसटी क्लास में भी मेल और फीमेल दोनों उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ मार्क्स 132 है। इसी तरह एससी कैटेगरी में 142 तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 148 मेल व फीमेल दोनों के लिए समान अंक है। राज्य वन सेवा में भी मेल व फीमेल कैंडिडेट के लिए एक ही कट ऑफ मार्क्स है। यहाँ तक कि 13% पदों के लिए जो प्रोविजनल रिजल्ट जारी किया गया है उसमें भी अनरिजर्व के लिए 146 और ओबीसी के लिए कट ऑफ अंक 142 है। वकील विभोर खंडेलवाल ने कहा कि ये असंभव है कि हर कैटेगरी में मेल और फीमेल का कट ऑफ एक ही हो और प्रोविजनल रिजल्ट आरक्षित वर्ग से अधिक हो। हमने कोर्ट में रिजल्ट को लेकर आपत्तियां लगाते हुए याचिका दायर की है। छुट्टियों के बाद इस पर हाई कोर्ट फैसला लेगा। एमपीपीएससी ने कई गलतियां फिर से दोहराई हैं। पहला, उन्होंने जो यूआर कैटेगरी की लिस्ट निकाली है वो पूरी तरह से जनरल की लिस्ट है, उसमें कोई भी एससी एसटी ओबीसी का बच्चा नहीं है। ये पहली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है। दूसरा, उन्होंने कोई स्पेसिफिक कोई किसी की प्रेयर नहीं है, राज्य सरकार की भी कोई तैयारी नहीं है कि 27% रेजोल्यूशन पे कि ओबीसी को 27% मिलेगा या 14% मिलेगा, उसको सरकार की रुचि दिखनी चाहिए। पिटिशनर साइड की बहस पूरी होने के बाद भी सरकार ने उसमें समय मांगा है, तो ऐसा लगता है कि उसको अवॉइड कर रहे हैं। वहीं कुछ दिन पहले आयोग द्वारा घोषित मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2019 की प्रारंभिक परीक्षा में कट ऑफ अंक समान नहीं थे। तब रिजल्ट में अनरिजर्व्ड कैटेगरी में मेल कैंडिडेट के लिए कट ऑफ 154, फीमेल के लिए 152, एससी कैटेगरी के मेल के लिए 138 तो फीमेल के लिए 134 अंक कट ऑफ रखे गए थे। एसटी कैटेगरी में मेल और फीमेल का समान 126 तो ओबीसी में मेल के लिए 148 और फीमेल के लिए 142 कट ऑफ था। ओबीसी कैंडिडेट के लिए कट ऑफ अंक में मेल के लिए 136 और फीमेल के लिए 132 थे। वहीं प्रोविजनल रिजल्ट के लिए भी मेल व फीमेल का अलग अलग कट ऑफ था। अनरिजर्व मेल के लिए 146, फीमेल के लिए 144 तो ओबीसी मेल के लिए 140 और फीमेल के लिए 136 अंक थे। जानकारों ने दूसरी बड़ी आपत्ति प्रोविजनल रिजल्ट के कट ऑफ को लेकर उठाई है। राज्य सेवा परीक्षा 2021 के प्रोविजनल रिजल्ट में अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ 146 है, जो मूल रिजल्ट में आरक्षित वर्ग एससी और एसटी वर्ग से ज्यादा है। जानकारों का कहना है कि कैसे हो सकता है कि आरक्षित वर्ग का कट ऑफ अनरिजर्व के कट ऑफ से ज्यादा हो। तो वहीं रिजल्ट के बारे में एक महिला अभ्यर्थी ने आपत्ति करते हुए आयोग चेयरमैन को भी पत्र लिखा है। अभ्यर्थी मनीषा ठाकुर ने कहा कि वो हरदा की रहने वाली है। प्रारंभिक परीक्षा 2019 का जो रिवाइज रिजल्ट आया है इस पे उन्हें प्रोविजनल रिजल्ट की सूची में रखा गया है, जबकि वे पिछले रिजल्ट में मुख्य परीक्षा तक दे चुकी हैं और बीते रिजल्ट में जारी कट ऑफ को क्लियर किया था। तब ऐसे में वे इस नए रिजल्ट में मूल रिजल्ट में नहीं आकर प्रोविजनल में कैसे आ सकती हैं? अब स्थिति ये बन रही है कि अगर जो नया कट ऑफ उन्होंने 13% में निकाला है उससे ज्यादा मार्क्स लेने वाले बच्चे अभी एससी एसटी ओबीसी के 87% वाली लिस्ट में है, तो अगर वो अपनी कैटेगरी से बाहर निकल के यूआर में कंसिडर नहीं होंगे तो फिर ये स्थायी समाधान नहीं है, ये फिर प्रक्रिया उलझेगी। दूसरी गलती, यूआर में सारी जनरल कैटेगरी को एंट्री दे दी है, उसमें एससी एसटी ओबीसी का बच्चा नहीं होने से वो वैसे भी सर्वाइव नहीं करेगी। तो 13% के जो इन्होंने प्रोविजनल लिस्ट बनाई है वो गलत है। दूसरा, जो ये एडहॉक अरेंजमेंट इन्होंने निकाल दिया, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।
वहीं युवा बेरोजगारों के लिए आंदोलन कर रहे NEYU यानी नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन ने भी पूरी धांधली के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया है। आंदोलनकारी राधे जाट का कहना है कि ये सब इसलिए किया गया ताकि रिजल्ट फिर से कानूनी पेज में उलझ जाए और शासन को किसी की भर्ती ही नहीं करना पड़े। छात्रों के साथ छलावा किया जा रहा है और ये सरकार का एक षड्यंत्र है कि कोई भी छात्र नौकरियों में ना आ पाए और इस तरह से वो कोर्ट के केस में उलझे रहते। तो हम लोग सरकार को और इस आयोग को चेतावनी देना चाहते हैं कि इस तरह के अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक जो है रिजल्ट ना घोषित करें और छात्रों को बेवजह परेशान करने की कोशिश ना करें, नहीं तो अभी आने वाले समय में मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा आंदोलन छात्रों द्वारा फिर से खड़ा किया जाएगा। हालांकि परीक्षार्थियों और उनके वकील की रिजल्ट को लेकर आपत्तियों के बारे में आयोग की ओर से कोई जवाब अभी तक सामने नहीं आया है। इस मामले में द सूत्र संवाददाता ने PSC के प्रवक्ता डॉक्टर रविंद्र पंचभाई को आयोग का पक्ष जानने के लिए कई बार फोन लगाया और मैसेज भी किए, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।